कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक। कुछ ही दिन पहले मनोहर लाल की बेटी दिव्या बहू बनकर आई, मगर साथ में वो सब नहीं लाई जिसकी उसकी सास पार्वती को उम्मीद थी। उसका पति सुखदेव अपनी माँ पार्वती के नक्शे कदम पर चलते हुए दिव्या पर जुल्म ढाता रहता है। वजह कोई खास नहीं, अपने लिए स्कूटर और पिता के लिए सोने की अंगूठी, ये दोनों मांगे ही दिव्या के लिए मुसीबत बनती जा रही है। क्या लालची बोलती है? लालची बोलती है मुझको? हाँ मैं कहती हूँ छोड़ो मेरा हाथ। अरे तेरा ये हाथ तो मैं आज तोड़ ही दूंगा, बहुत नचाती रहती है ना इस हाथ को। माँ जी। मेरी माँ को क्यों बुलाती है? जा जा बुला के ला अपनी माँ को, अपनी कंजूस माँ को जिसने बड़ी बड़ी बातें करके तुझ जैसी कमीनी मेरे गले बांध दी। अरे क्या चला रही है? माँ जी बचाइए मुझे। ये क्या कर रहे? अरे उसकी बाजी टूट जाएगी, छोड़ दो उसकी बाजी, छोड़ दो मैं कहती हूँ। अरे कल मुही अगर पति ने गाली दे भी दी तो तू अपनी जुबान बंद नहीं कर सकती, क्यों जुबान लड़ाती रहती है हर टाइम? मैंने तो कुछ नहीं कहा, आज फिर ये मुझे कहने लगे कि मैं घर जाकर माँ बाप से स्कूटर मांगू। मैंने मना कर दिया तो लगे मुझे गाली देने। क्यों मना किया? तेरे बाप ने इसको स्कूटर देने का वादा किया था। अरे माँ स्कूटर ही नहीं, पापा की अंगूठी भी बाकी अभी तक। तो जाओ मांगो उनसे। क्यों कोसते हो मुझे, क्यों मारते हो मुझे रोज रोज? मैं क्यों जाऊँ उनके पास, माँ बाप तेरे हैं, तू जा उनके पास। चाहिए तो आपको, मुझे नहीं। देख तो कैसे जुबान चलाती है, तेरी माँ भी ऐसे जुबान चलाती है क्या? तेरे घर वाले इतने भिखारी हो गए कि एक स्कूटर भी नहीं दे सकते, और ऐसे भिखारियों से हमने कोई रिश्ता नहीं रखना। हाँ भिखारी बोल नहीं, भिखारी तो क्या कहा, भिखारी हम? बोल ना बोल, देखो तो तेरी जुबान कैसे लगती है, बोल बोल। हमको बोलते भिखारी, हम तो तेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, ना तुझे यहाँ रहने देंगे, चली जा यहाँ से, बिखर जाओ मेरे घर से। चली जाऊंगी, पहले मेरे मम्मी पापा को बुला दीजिए। हम क्यों बुलाए, भगवान ने हाथ पैर दिए, खुद चली जाना। जा, खबरदार जो यहाँ से फोन किया। ठीक है मैं बाहर से करके आती हूँ। अरे कहाँ जा रही है तू, अंदर चल के बर्तन साफ कर। मगर अभी तो आप कह रही थी कि चली जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे चली जाएगी, तेरे माँ बाप को मैं यहाँ बुलाऊंगी, उनसे हिसाब सब चुकता करूंगी, फिर तुझे दफा करूंगी। समझी, आज ही तेरे माँ बाप को मैं बुलाती हूँ, चल रसोई में। मैं रसोई में नहीं जाऊंगी। मैं देखता हूँ कि तू रसोई में कैसे नहीं जाएगी। अरे अरे छोड़ो यार राधेश्याम, ये सुखदेव भी कैसा आदमी है यार, जब देखो अपनी बीवी को मारता रहता है। आखिर बात क्या है, और आंटी क्यों मोहल्ले भर में तमाशा दिखा रही हो? मारती तमाशा हम नहीं दिखा रहे, ये दिखा रही है ये। क्या क्या कहा आपने, मैं तमाशा दिखा रही हूँ और आप सब लोग जो मुझे रोज मिलके मारते हैं वो? क्या बात कर रही है बहू, कैसे मारो मारी? मालती इसे तो बात का पतंगड़ बनाने का शौक है, हमारी पगड़ी उछालने का शौक है, इसीलिए तो चीख चीख के घर से बाहर भागती है ये मोहल्ला इकट्ठा करने के लिए। हम तो इससे भी तंग है और इसके माँ बाप से। दिव्या तुम अंदर जाओ और फोन करके अपने माँ बाप को बुला लो। हम भी तो यही चाहते हैं कि उसके माँ बाप यहाँ आए और कोई फैसला करे, हम तो रो रो के झगड़े से तंग आ चुके, मगर वो हमारी सुनते कहाँ है। मालती मुझे तो ऐसा लगता है कि वो हमें तो क्या अपनी बेटी को भी सुख और शांति से नहीं रहने देना चाहते। अब इस बेचारी को क्यों कोस रहे हो? तुम ठीक कहती हो मालती, अब तो हम इसके माँ बाप के साथ ही दो टूक बात करेंगे।
चलो जी चलो। लगता मुझे कुछ करना पड़ेगा। संदीप वो प्रमोद है ना? हाँ हाँ यार, ये दिव्या उसकी कजिन लगती है। हाँ। अपन चल के उसको खबर करते हैं। हाँ, चलो, चलो। ससुराल की मांग चाहे कितनी हो कैसी हो, लेकिन बड़े बड़े झगड़ों का कारण बन जाती है। लेकिन इनकी एक भी मांग पूरी कर दी जाए तो बस फिर शुरू हो जाता है मांगों का ना खत्म होने वाला सिलसिला। मैं खुद भी नहीं जानती इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए जिससे दिव्या के ससुराल वालों में बदलाव आ सके। क्या बताऊं यार प्रमोद, आज बेचारे दिव्या को फिर सुखदेव ने मारा। क्या बात कर रहे हो तुम, संदीप से पूछ लो। हाँ यार, हमने अपनी आंखों से देखा यार, वो जोर जोर से चिल्ला रही थी यार। लेकिन अब क्यों मारा उसे? जब किसी को मारना हो तो हजार बहाने मिल जाते हैं, फिर यहाँ तो दहेज की बात है जिसके कारण बेचारी को रोज मार खानी पड़ती है। एक बात बताओ प्रमोद, तुम लोगों ने उनको कुछ देने का वादा किया था क्या जो पूरा नहीं कर पाए? नहीं यार, ऐसा तो कोई वादा नहीं किया था। बस चाचा जी ने ऐसे बोल दिया था कि अगर हमारे पास पैसा आया तो एक स्कूटर और एक सोने की अंगूठी दे देंगे। शायद इसी डिमांड को लेकर वो बार बार दिव्या को परेशान करते हैं। यही बात है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि एक बार सुखदेव से मिलकर सारी बातें क्लियर कर लो ताकि ये टेंशन हमेशा खत्म हो जाए। क्यों संदीप? हाँ यार, बात को समझो, उनसे मिलकर सब बातें क्लियर कर लो। तुम्हारी राय एकदम सही है यार, हमें यही करना होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्त। ओके, सी यू। हेलो चाची जी, नमस्ते, मैं प्रमोद बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो। अच्छा, चाचा जी घर पर हैं क्या? हाँ हाँ बेटा, घर पे ही हैं। बात करवाऊँ क्या? नहीं नहीं, आप उनको रोक के रखिए। ऐसी कौन सी बात है? मैं आके बताता हूँ। अच्छा बेटा। अभी तक नहीं आया प्रमोद, कुछ तो बताया होगा फोन पे, क्या बात करनी है? मुझे कुछ बताया नहीं, बोल रहा था मैं आके बात करूंगा, आता ही होगा अभी। क्या आता होगा, करीब ही आता। आ गया। चाचा जी पैर पहना। आओ बेटे, आओ। बैठ बेटा, तेरी बातें कर रहे थे। भाई ऐसी क्या बात थी जो तुम फोन पर नहीं बता पाए? मुझे टेंशन हो रही है। क्या बताता चाचा जी, आपसे मिलकर ही बात करनी थी, बस इसीलिए रुकने के लिए बोल दिया। ऐसी कौन सी बात थी? चाची जी आज मेरे पास सुखदेव का पड़ोसी राधेश्याम आया था। क्या कहा उसने? चाची जी वही पुरानी बात है, सुखदेव ने दिव्या को फिर से मारा। हम सही परेशान हो रहे थे, हमारी बेटी के तो भाग्य ही फूटे थे जो सुखदेव जैसा उसे पति मिला। क्या करें, हम तो सुखदेव को समझा समझा कर थक चुके हैं। चाची जी हमें एक बार खुलकर बातचीत कर लेनी चाहिए। ऐसी क्या बात है आखिर, वो दिव्या को परेशान क्यों करते हैं? एक स्कूटर नहीं दे पाए तो क्या हुआ? जितनी हमारी हैसियत थी हमने काफी किया ना उसके लिए, जो भी बाकी छोटी मोटी चीजें थी वो सब दी ना। भाई मैं तो शादी से पहले ही बात कर लेना चाहता था, पर तेरी चाची ने ही मना कर दिया। आप फेरों के वक्त बात करना चाहते थे इसलिए मैंने मना किया। बेटा तू तो सुखदेव को अलग से समझा, शायद वो तेरी बात मान जाए। मैं तो कहता हूँ अभी चलते हैं, इसी वक्त सब लोग घर पर ही होंगे। हाँ चलो चलते हैं। नहीं नहीं आप मत जाइए, आपके जाने से बात बिगड़ सकती है। अब और कितनी बिगड़ना बाकी है? मेरे हिसाब से आपका हमारे साथ जाना ठीक नहीं, क्यों प्रमोद? शायद आप ठीक कह रही हैं, अगर उन्होंने आपको कुछ कहा तो मुझसे सहन नहीं होगा फिर। मैं इनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिल्कुल सही कहा चाची जी ने। ठीक है जैसे तुम्हारी। चल बेटा अभी चलते हैं, जरा पर्स ले। नमस्ते बहन जी। नमस्ते जी। नमस्ते। मैडम आंटी जी। उदारा। अरे प्रमोद तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे दिव्या? बस ठीक। ठीक है, ये हट्टी गट्टी है, बैठिए। बहन जी आज हमारे गरीबों के घर का रास्ता कैसे भूल गए आप? आप गरीब कहाँ हैं बहन जी, गरीब तो हम हैं। कितने दिन से दिव्या को देखा नहीं था, सो मिलने चले आए। आप बैठे, मैं पानी। नहीं नहीं बैठो बैठो, पानी हम पी के आए हैं। नहीं नहीं बेटे, चाय वाय ला, कॉफी ला, तेरी माँ आई है। नो थैंक्स आंटी, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये सुखदेव कहाँ है? बाहर गया। हमें जरा दिव्या से बात करनी थी। तो कीजिए ना, किसने रोका है? आपकी बेटी है,
जी भर के बातें कीजिए। आप पूछिए पूछिए, क्या बात है, रुक क्यों गए? आंटी जी, बात दरअसल ये है कि हम दिव्या से अकेले में बात करना चाहते हैं। अकेले में? ऐसी कौन सी बात है जो हमारे सामने नहीं कर सकता? नहीं नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं। कितने दिनों से दिव्या को देखा नहीं, जी भर के इसको देखना चाहती हूँ। तो देखिए ना, हमने कौन सा पर्दा डाल रखा है आपकी बेटी के ऊपर। दिव्या, तू जरा अंदर चल, तेरे साथ कुछ बात करनी है। नहीं, ये अंदर नहीं जाएगी, जो बात पूछनी है यही बैठ के पूछू, अंदर जाके पता नहीं तुम क्या क्या पटके पढ़ा दोगे इसे। हम यहाँ पट्टे पढ़ाने नहीं आए हैं। तो फिर क्या करने आए हो? बहन जी, आप नाराज मत होइए, हम तो इतना जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हो, पूछो ना। हम ये जानना चाहते हैं कि हमें पता चला कि आपने दिव्या को फिर से मारा है। क्या? हमने दिव्या को कोई नहीं मारा। तो लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। लोगों का क्या है, लोगों ने नहीं बताया आपको, ये दिव्या ने बताया होगा आपको। माँ जी, मैंने कुछ नहीं कहा। तेरे सवाल कोई दूसरा नहीं कह सकता। जब आप लोग मारते हैं तो सारा मोहल्ला सुनता है। बहन जी, आखिर आप मेरी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? हमने आपकी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार कुछ नहीं किया। रही बात मार की, पति के साथ जुबान लड़ाएगी तो मार तो खाएगी ना। बाकी आपकी बेटी को नाटक करके मोहल्ला इकट्ठा करना बहुत अच्छी तरह आता है। आंटी जी, आप सीधी बात कीजिए, आखिर आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? देख विनोद, हम कोई भिखारी नहीं है। एक ही बात को बार बार दोहराएंगे। एक बात कह देती हूँ कि आप जुबान के कच्चे हो। बहन जी, आखिर हमने ऐसी कौन सी बात कह दी? एक ही बात हमें बार बार दोहरानी पड़ेगी कि आपने सुखदेव को स्कूटर देने का और इसके पिताजी को अंगूठी देने का वादा किया था, तो आपने अभी तक दी क्यों नहीं? बहन जी, मैंने तो ये कहा था कि अगर भगवान की मेहर हुई तो हम करेंगे, लेकिन भगवान ने। आंटी जी देखिए, इन लोगों की इतनी हैसियत बिल्कुल भी नहीं है। अगर इनकी हैसियत नहीं है तो फूफा क्यों मारते हैं, क्यों दिखावा करते हैं? मैं तो मानने को तैयार नहीं कि इनके पास पैसा नहीं है। एक बात मैं आपको कह देती हूँ, यह जो आपकी लापरवाही है ना, आपकी बेटी को दुखी कर सकती है। बहन जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी मांगे पूरी करने की कोशिश करूंगी। आजकल आपके क्लिनिक में पेशेंट उतने ही हैं या बढ़े? क्लिनिक में काम तो पहले से भी कम हो गया दिव्या। ऐसा क्यों? गांव में क्लिनिक चलाना बहुत ही मुश्किल है। मेरे मामा जी की लड़की का शहर में क्लिनिक काफी चलता है। मैं तो कहती हूँ आप भी शहर में ही क्लिनिक खोल लीजिए, बहुत कमाई होगी। वो तो ठीक है, लेकिन 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 कुछ नहीं दिव्या, शहर में क्लिनिक खोलने के लिए हमें यहाँ से सारा तामझाम उठाना पड़ेगा। ये घर, ये दुकान, इनका क्या करेंगे? चलो तुम्हारी बात मानकर शहर में क्लिनिक खोल भी लिया तो आने जाने के लिए बाइक चाहिए, दुकान खोलने के लिए पैसा चाहिए, और फिर जब तक दुकान नहीं चलती घर का खर्चा पानी भी तो चलाना है। घर का खर्चा तो थोड़े दिन डैडी जी भी संभाल सकते हैं, वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। वहां पहुंचते ही तुम्हें किसी ना किसी अस्पताल में नौकरी तो मिल ही जाएगी। और रही बात आने जाने और घर खर्च की, तो मम्मी पापा तो यहाँ है ही, इस दवा खाने को बेच के वहां पे ले लेंगे। तेरा दिमाग खराब है? तू चाहती है कि मेरे माँ बाप यहाँ पे अकेले रहें? तू ये सीधा क्यों नहीं बोलती कि तू मेरे माँ बाप से अलग रहना चाहती है? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं कह रही थी कि मैं तेरा सारा मतलब समझता हूँ। मैं तेरी नस नस से वाकिफ हूँ। अगर तू सही मायने में शहर में क्लिनिक खुलवाना चाहती ना, तो अपने बाप से कह के दुकान और बाइक के लिए पैसों का बंदोबस्त करवाती। लेकिन तू तो शहर में क्लिनिक के बहाने मुझे मेरे माँ बाप से अलग करना चाहती है। मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी। तू ये चाहती है कि मेरे माँ बाप बुढ़ापे में अकेले पड़े रहें और वहां तू अपनी माँ बाप की गोद में पड़ी रहे, शर्म नहीं आती तुझे? समझ नहीं आता उन बूढ़ा बुढ़िया को क्या समझ आता है जो तुझे इस तरह की राय देते रहते हैं। देखिए, उन बेचारों को गाली तो मत दीजिए। ये गाली है? नंगों को नंगा ना कहूं तो और क्या कहूं? जब देखो मेरा मूड खराब कर देती है। सो जा। मैंने कहा जी, सुनिए जी।
सुनाइए जी। हैं भाई, पिछले 25 सालों से सुनी तो रहा हूँ। ओफो, आपको मजाक सूझ रहे हैं, मेरी जान पे बनी हुई है। जान पे बनी है, वेरी गुड, मगर लक्षण तो ऐसे कोई नजर नहीं आ रहे। ये देखिए, आंख में कुछ गिर गया, लाओ अभी साफ कर देता हूँ। ओफो, आंख फड़क रही है, मसल मसल के हाथ दुखने लगे हैं, लेकिन ये है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। दाई आंख फड़क रही है, और औरतों का दाई आंख फड़कना तो अपशगुन होता है। वही तो, इसी बात की चिंता खाए जा रही है मुझे, कहीं दिव्या के ससुराल वालों ने। अरे नहीं, शांति, ऐसे बुरे विचार अपने दिल और दिमाग से निकाल कर बाहर फेंक दो। अब उसके ससुराल वाले उस पर जुल्म करते हुए 100 बार सोचेंगे। उनसे ऐसी उम्मीद करना बेकार है। वो क्यों? क्योंकि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तुम उन्हें स्कूटर देने का वादा कराई हो, इसलिए कुछ दिन तो शांत रहेंगे ही। बड़े बेसब्रे लोग हैं वो, उनके सब्र का बांध कभी भी टूट सकता है। लो, मैंने कहा था ना, जरूर दिव्या के ससुराल वालों का ही होगा। हे भगवान। फिर तो तुम ही सुनो, मैं नहीं सुनता। उठाओ। हेलो शांति बहन, नमस्ते, मैं पार्वती बोल रही हूँ। हाँ जी हाँ जी, बोलिए, सब सुख शांति तो है ना? फिलहाल तो शांति है, मगर 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 क्या? देखिए, शांति है, शांति में भी बदल सकती है अगर। नहीं नहीं बहन जी, मुझे मेरा वादा याद है। सिर्फ वादा याद ही मत रखिए, उस पर अमल भी कीजिए ना। जी हाँ बहन जी। तो बताइए, हमारे दरवाजे पर नया स्कूटर कब भेज रही हैं? बहन जी बस 1 महीने के अंदर। इसका मतलब आज 11 मई है, तो 10 जून तक आप ये वादा पूरा कर रही हैं ना, ये कहना चाहती है ना आप? जी हाँ जी। ठीक है, मगर अब की बार आप वादा खिलाफी मत कीजिएगा। जी ध्यान रखिए, ये आखिरी मौका है बेटी की खैरियत के लिए, ये मौका खोना मत। जी जी बिल्कुल नहीं। ठीक है जी। कैसी औरत है, हे भगवान, मैंने बोल तो दिया, अब क्या होगा? तू ही मेरी लाज रखना भगवान। लीजिए चाय पीजिए और सुस्ती मिटाइए। ला भाई चाय आ गई। मैंने कहा जी, बहुत दिन हुए प्रमोद ने घर में चक्कर नहीं लगाया, पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं किया। ओह सॉरी शांति, सॉरी, एक बात बताना भूल गया, अभी 2 दिन पहले बाजार में मिला था प्रमोद, वो कह रहा था कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, कोई जरूरी काम था उससे। काम? हमें तो उससे बस एक ही काम होता है, और वो है अपनी बेटी दिव्या के हाल चाल पूछना। क्यों, सही कहा ना मैंने? अपनी बेटी सुखी रहे, इसकी चिंता क्या मुझे नहीं सताएगी? शांति, चिंता करना गलत बात नहीं है, लेकिन हमेशा उसी गम में घुलते रहना, इससे तुम्हारी जान को खतरा है। मुझे मेरी जान की नहीं, बेटी की जान की परवाह है। बोलने का वक्त नहीं, सोचने का वक्त है, गंभीरता से विचार करने का वक्त है। किस बात का? आज 23 मई हो गई है, 11 जून को स्कूटर देने का वादा करके आई थी, इधर बैठ। सुन, तू हमारे बेटे को हमारे से अलग करना चाहती है? नहीं माँ जी, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। अरे तू सोच ही नहीं सकती, तुझे सोचना नहीं आता, सोचने के लिए तेरी माँ जो है। मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं तेरी माँ को अच्छी तरह जानती हूँ, उसका बस चले ना तो मेरे बेटे को भी अपने घर में रख ले, तो अपने घर का घर चलाने लग जाए। वो तो तेरा घर भी बसने नहीं देती, तेरी बुआ का भी घर उसने बसने नहीं दिया, वो तो तेरी बुआ ही समझदार थी। देखो आज तेरी माँ की कालियाँ खाती होती और नौकरानी बन के रह रही होती। देखिए आप मेरे घर के बारे में कुछ नहीं जानती, मेहरबानी करके मेरे घर के बारे में कुछ मत कहिए, वरना मेरा भी मुंह खुल जाएगा। क्या बोल, मुंह बोल, क्या कहना चाहती है तू? रहने क्यों दूँ, सुना जरा, मैं भी तो देखूँ कितना मुंह खुलता है तेरा। आपने तो अपनी ननद का घर तोड़ा था। चुड़ैल, तू मेरे बारे में इतना बकवास करेगी तो मैं चलते रहने दूंगी तुझे, मैं तो एक दिन तुझे घर में देखूँ। निकल जा, मेरे पास छोड़ी, मैं कैसे छोड़ी, मेरे पास मैं खुली चली जाऊंगी घर से। निकल जा, मैं खुली चली जाऊंगी, निकल जा मेरे घर से। हाँ हाँ चली जाऊंगी, जब
कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक।